खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत में आपको बता दें, इस वक्त थोड़ी देर बाद जेडीयू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कार्यकर्ताओं का हंगामा देखा गया, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संभावित प्रत्याशी जितेंद्र कुमार का विरोध कर रहे हैं कार्यकर्ता। ये विरोध की ही तस्वीरें हैं जब जितेंद्र कुमार का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। थोड़ी देर में अब जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। बिहार में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी पारा लगातार गरमाया हुआ है, लेकिन इस बीच अब खबर यह आ रही है कि जिस तरह से जितेंद्र कुमार का विरोध कार्यकर्ता कर रहे हैं, अचानक से ये विरोध लगातार बढ़ता गया, लेकिन अब थोड़ी देर में जेडीयू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी हम आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये वही तस्वीर है जब हंगामा हुआ। तो बड़ी खबर अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं, थोड़ी देर में जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार हमने बताया आपको कि राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है, बिहार बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को अपने कोटे से 11 विधानसभा सीटें देने का ऐलान कर दिया है। वीआईपी को केवटी, सिमरी, बख्तियारपुर, ब्रह्मपुर, अलीनगर, गौरा, बौराम, सुगोली, बलरामपुर, साहिबगंज और कोचस सीट दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 2 या 3 सीटें और देने की बात चल रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता में इस बात का ऐलान किया। इस मौके पर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सैनी ने कहा कि वो एनडीए में शामिल होकर खुश हैं, और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मुकेश सैनी ने कहा कि महागठबंधन में रणनीति का अभाव है और तेजस्वी के मन में पहले से ही छलावा है। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे भूपेंद्र जी या बिहार के हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें महागठबंधन में निमंत्रण मिला और मैं आज महागठबंधन का पार्ट हूँ। ये काफी हमारे लिए और हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए खुशी की बात है। आज हम मजबूती से बिहार में एनडीए का पार्ट है और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। विकासशील इंसान पार्टी और माननीय मुकेश सहनी जी को जितनी सीटें हैं वह हम अपने कोटे से देंगे। क्योंकि इस 2 दिनों में हम लोगों ने परिवर्तन हुआ, हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी। और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी के भी अपने जो बयान है वो सामने आए हैं और मुकेश सैनी ने भी कहा है, क्योंकि मुकेश सैनी ने महागठबंधन पर दरअसल निशाना भी साधा। इसके बाद से वीआईपी को अपने कोटे से 11 जो सीटें हैं वो अब दी गई हैं। केवटी, सिमरी, बख्तियारपुर, ब्रह्मपुर, अलीनगर, गौरा, बबरा, ऐसी तमाम सीटें जो वीआईपी के खाते में गई हैं। तो अब देखना होगा कि क्या बिहार में जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में महागठबंधन की तरफ से भी सीटों के बंटवारे को लेकर जो बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब एनडीए में वीआईपी शामिल होने के बाद जाहिर तौर पर उन्होंने, मुकेश सैनी ने तारीफ भी की है प्रधानमंत्री मोदी की। और हम लगातार सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कि लगातार किस तरह से चुनाव में
जीत हासिल की जाएगी एक साथ मिलकर, इन वादों में कितना दम होता है ये देखने वाली बात होती है। लेकिन अफजर शमसी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अफजर शमसी जी। जी नमस्कार। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग लग रही हैं बिहार में, क्योंकि चिराग पासवान अलग हैं, आपने 11 सीटें दी हैं वीआईपी को, और अब क्या आपको समीकरण बिहार में इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या किन दावों के साथ आप इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं और किस सोच के साथ इन सीटों का बंटवारा किया गया है? देखिए फर्क बिल्कुल साफ है, और फर्क ये साफ है कि 15 साल एनडीए ने जो विकास का काम किया और पूर्व के 15 सालों के अंदर जो बिहार की हालत थी, तो किन मुद्दों पर महागठबंधन के लोग इलेक्शन में जाएंगे? क्या वो मुद्दा बनाएंगे सड़क को? क्या वो मुद्दा बनाएंगे बिजली को? क्या वो मुद्दा बनाएंगे पानी को? यही सब तो मुद्दे होते थे। तो आज बिजली जो है गांव-गांव तक पहुंच गई, एलईडी पहुंच गया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बन गया। आज पूरे बिहार के अंदर की कनेक्टिविटी जो रोड की है वो आप कहीं से भी पटना पहुंचे 5 घंटे में, जबकि 15 साल पूर्व 10 से 12 घंटे लगते थे। नहीं तो नया करने के लिए कुछ बचा है अफजर शमसी जी? आप तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, सड़कें पहुंची हैं, लेकिन स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है जितना आप बता रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि कहां कहां की स्थितियां क्या हैं। स्थितियां तो बिल्कुल साफ है ना, मैं तो बता रहा हूं कि ये सब मुद्दे इलेक्शन के होते थे, बिजली पानी सड़क यही मुद्दे होते थे। तो ये मुद्दे कोई बताए, पता ये मुद्दा बनाएंगे महागठबंधन वाले? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आज महागठबंधन के लोगों को और राजद के शहजादे को अपने पूर्वजों के लिए जनता से माफी मांगनी पड़ रही है। वो क्या जवाब देंगे? कहते हैं मैं पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, जिनके पूर्वज एक चपरासी की नौकरी देने में रेल में जमीन लिखाते थे, क्या जनता विश्वास करेगी? नहीं, वो रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं अफसर जी। वो पूछ रहे हैं पिछले 5-15 साल छोड़ दीजिए, पिछले 5 सालों में कितनी फैक्ट्रीज आई, कितना विकास हुआ, कितने लोगों को रोजगार दिया, ये सवाल तो पूछ रहे हैं बार बार जी। 15 साल का हिसाब छोड़ दीजिए, 5 साल का ही। बिहार के अंदर बिहार आत्मनिर्भर हुआ है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का मामला हो, चाहे वो दूध फैक्ट्री का मामला हो, मछली उत्पादन हो, मखाना उत्पादन हो, शहद उत्पादन हो, या आपको आम और लीची के द्वारा जो जूस होते हैं, तो ये सारी चीजों से बिहार जो है वो आत्मनिर्भर हुआ है। और पूरे देश का 83% मखाना बिहार में बनता है, उत्तर बिहार में बनता है। तो ये रोजगार तो बिहार के ही लोगों को नहीं मिलेंगे। लोग कह रहे हैं आज मनरेगा के अंदर जो मिनिमम वेजेस था उसको बढ़ा दिया गया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नवंबर तक सबको अनाज मुफ्त दे दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको खुद अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। विकास 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 एनडीए का नारा है और इसी से हम चुनाव में जा रहे हैं, और जनता भी स्पष्ट इस बात को समझ रही है कि एक वो गठबंधन है जिसकी गांठें टूट गई हैं। पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जलील करके वहां से वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे, हट गए। एलजेपी प्रमुख वो आपके जो कुशवाहा साहब हैं, सॉरी कुशवाहा साहब जो हैं वो हट गए, माले हट गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किस प्रकार से आपने देखा वीआईपी पार्टी के साथ हुआ। तो सीधी सी बात है कि जो भी लोग उनके अंदर कोई एक न नीति है न नेता है, तो महागठबंधन की हालत वही होगी जो 22 सीटों से भी कम आएगा जो इनको पूर्व में आया था 2010 में। चिराग पासवान के बारे में क्या ख्याल है? देखने के लिए टिकटें नहीं मिलेंगी, 22 सीट से भी इन्हें कम मिलेगा, और 200+ के साथ एनडीए सत्ता में आएगी
और नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान के बारे में क्या ख्याल है आपके, अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे तो? क्या चिराग पासवान के बारे में क्या ख्याल है आपके? देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ जो रहेंगे उनकी जीत होगी, और हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया कि एनडीए में जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और हम की तरफ से वो जनता दल यू में है और वीआईपी बीजेपी में आई है। तो अब यहां बात कहां है, जब ये बात भी कह दिया हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से, तो अब बात कहां यहां इफ एंड बट की है। देयर इज ए नो इफ एंड बट, और जो हमारा एनडीए है और वो मजबूती के साथ चुनाव में जाएगा और 200+ से जीतेगा। चिराग पासवान मुख्यमंत्री से क्यों नाराज हैं? भाई देखिए, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में अपनी बातों को सबको कहने का अधिकार है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल। आप मानते हैं चिराग पासवान ने जो बातें कही है वो सही है, तथ्यात्मक है? क्या आप मानते हैं चिराग पासवान ने जो बातें कही है वो सही है, तथ्यात्मक है, उन बातों को कहना चाहिए था उन्हें, आप समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन का सवाल नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि डेमोक्रेसी में अपनी बातों को विपक्ष भी कहता है, तो डेमोक्रेसी का जो यही खसूसियत है, यही खूबसूरती है, इसलिए इसको किसी दूसरे नुक्ते नजर से देखने की बहुत जरूरत नहीं है। और अभी हमारे रामविलास पासवान जी और स्वस्थ हैं, अस्पताल में हैं, हम लोग उनके स्वस्थ की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं। अगर वो अभी रहते तो ये भी स्थिति नहीं होती। चलिए, जाते जाते बता दीजिए कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं इस बार? देखिए, एनडीए 200+ से ज्यादा रहेगा, हर हालत में एनडीए 200+ से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये चुनाव विकास वर्सेस विनाश है। यानी कि 15 सालों के अंदर जो बिहार आत्मनिर्भर भरा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार भी आत्मनिर्भर हुआ है और बिहार के अंदर भी डेवलपमेंट है। जबकि महागठबंधन राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार का सरकारीकरण, ये महागठबंधन ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अफजर शमसी जी। खबर इस वक्त की, जेडीयू ने जारी की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, जेडीयू ने 115 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया। जेडीयू की पहली लिस्ट में गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं है। तो लिस्ट में करीब 10 मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम है। जेडीयू ने माझी की पार्टी हम के लिए 7 सीटें छोड़ी हैं। इस वक्त की जेडीयू की पहली जो लिस्ट है उसमें गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिनका नाम उसमें नहीं है। लिस्ट में करीब 10 मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम बताया जा रहा है जो लिस्ट जारी की गई है। जेडीयू ने जीतनराम मांझी की पार्टी हम के लिए 7 सीटें छोड़ी हैं, लेकिन अब ये 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें गुप्तेश्वर पांडे का नाम फिलहाल नहीं है। अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। अभिषेक, क्या खबर आ रही है? लिस्ट तो जारी की गई है लेकिन खबर यह कि गुप्तेश्वर पांडे का नाम अभी तक इस लिस्ट में सामने नहीं दिख रहा है, और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह की बक्सर सीट की अगर हम बात करें तो बक्सर सीट जो है, जब जदयू और भाजपा के बीच में जो सीट को लेके क्लियरनेस हुई थी तो उसमें बक्सर सीट को जो है भाजपा के कोटे में दे दिया गया था, लेकिन भाजपा की ओर से भी पहली प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई जिसमें 27 प्रत्याशियों के नाम की सूचना दी गई थी, लेकिन 2 जो सीट है अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है उसमें बक्सर सीट है। और आज जदयू ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 115 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है।
साथ ही जो 122 प्रत्याशियों की सूची थी उसमें से 7 हम के कोटे में दी गई है, बाकी 115 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव के ससुर जो चंद्रिका राय हैं वो राजद छोड़े थे और उनको परसा से टिकट दी गई है, और साथ ही निखिल मंडल को मधेपुरा से टिकट दी गई है, जो कि कुछ अहम फेरबदल किए गए हैं जदयू की ओर से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के। तो आरजेडी ने पहले चरण की 41 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने कैंडिडेट के चयन में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा यादव पर दिखाया है। इसके अलावा पार्टी ने दलितों अति पिछड़ों पर भी फोकस किया है। आरजेडी ने इस बार आधा दर्जन अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। इसमें ओबरा के बिजेंद्र प्रसाद, मखदूमपुर से सुबेदार दास, अत्री से कुंती देवी शामिल हैं। वहीं आरा, अरवल, पालीगंज और काराकाट सिटिंग सीट माले के खाते में चली गई है। आरजेडी ने अपने नेताओं के बेटे बेटियों के अलावा पत्नियों को भी टिकट दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को रामगढ़, पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को शाहपुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के पुत्र ऋषि सिंह को ओबरा से, तो पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश तारापुर से उनको चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा, विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को संदेश से टिकट मिला है। आरजेडी ने इस बार पहले चरण में 10 महिला प्रत्याशी भी उतारे हैं। इसके अलावा 2 राजपूत, 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार और 1 वैश्य समाज के उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। आरजेडी ने सबसे अधिक 23 पिछड़े समुदाय के कैंडिडेट उतारे हैं, जिनमें से 20 यादव समुदाय के प्रत्याशी हैं। तो इसके अलावा 8 अनुसूचित जाति को टिकट दिया, इसमें रविदास, मुसहर और पासवान समुदाय के प्रत्याशी हैं, और 1 अनुसूचित जनजाति, 3 अति पिछड़े समुदाय और 2 मुस्लिम प्रत्याशी शामिल किए गए। और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन से अलग राह लेने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनकी लड़ाई जेडीयू से है, ऐसे वो नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी के साथ उनका मुकाबला नहीं है, ऐसे में उनके मुकाबले में पार्टी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। हालांकि इस ऐलान के बावजूद 1 सीट ऐसी है जहां एलजेपी बीजेपी के खिलाफ दावेदारी करती नजर आएगी। यह सीट है गोविंदगंज विधानसभा की सीट। इस सीट पर एलजेपी और बीजेपी का सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर वर्तमान में एलजेपी के दिग्गज नेता राजू तिवारी विधायक हैं, ऐसे में पार्टी अपनी इस सीट को कतई छोड़ना नहीं चाहती। पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो अपनी सीट पर दावा नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर एनडीए खेमे से ये सीट बीजेपी के खाते में गई है, ऐसे में दोनों पार्टियों का आमना सामना तय है, यानी दोनों प्रत्याशियों का। एलजेपी और बीजेपी को लेकर लगातार जिस तरह से बिहार में लगातार खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिहार की सियासत में पार्टी की तरफ से एनडीए से एलजेपी जब अलग हुई, उसके बाद लगातार जो बयान हैं वो सामने आते रहे हैं। लेकिन इस बीच एलजेपी और बीजेपी के बीच चल रही जो तनातनी है अब उसका खात्मा होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एलजेपी ने अब आकर एनडीए से खुद को अलग कर लिया। एनडीए से चिराग पासवान के ऐसे अलग होने पर बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश ने कहा कि पार्टी ने काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन अब जब वो अलग हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। सुने क्या कहा उन्होंने। पार्टी का जो फैसला है हम फैसले के साथ, और पार्टी तो प्रयास की थी कि लोजप्पा को साथ लेकर चले जा करके, लोजप्पा नहीं आ पाई जा करके, दोष उनका है। अंतिम थम तक हम लोग का प्रयास था कि साथ रहें, लोकसभा के चुनाव की तरह विधानसभा के चुनाव में साथ जाएंगे। जब तैयार नहीं हुए तो भाई अब हम लोग अपना चारों दल में चुनाव मैदान में जा रहे हैं। अब तो मान लेते हैं कि अब बोलने के कुछ भी बोला जा सकता है जाकर के। कल तक साथ में नहीं बोल रहे थे, कल जब लोकसभा चुनाव में साथ चुनाव जब लड़ रही थी एलजेपी हमारे साथ थी जाकर के, कहीं कोई बात नहीं थी। हाल के दिनों तक साथ थे जाकर के, अब नई नई बात आ रही जाकर के है। इस तरह की बात जो हो रही जाकर के, बातों में दम नहीं जाकर के है, और राज्य में बेहतर तरीके से विकास के काम हुए हैं जाकर के,
और अब जब अलग हो गए हैं तो जांच की बात कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।